जहां की सुबह भी हसीन और शाम भी, गलियां भी जीवंत और आवाम भी, मंदिरों का है ये शहर और प्राण यहां के घाट है। इस बनारस में कुछ तो बात है, इस बनारस में क्या बात है, वाह 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 वाह, कुछ तो बात है। मैंने आपसे कहा था मैं काशी को परिभाषित करूंगा, तो मैं कुछ पंक्तियां बोलता हूं कि जहां गालियों में अलंकार मिला है, जहाँ गालियों में अलंकार मिला है, जहाँ अखड़पन आधारशिला है, शिवरात्रि की ऐसी रात कहाँ है, साधुओं के ऐसे ठाट कहाँ है, मुंह में घुलता एक पान भूल के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान। क्या बात है भाई, वाह प्रशांत जी, बढ़िया, वाह वाह वाह। एकता की बात होती है तो मैं कहता हूँ कि बिस्मिल्लाह की शहनाई को देखो, शास्त्री की परछाई को देखो, तुलसी के ये छंद है काफी, हरिश्चंद्र के मन का ये द्वंद है काफी, और करपात्री जैसा ज्ञान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। घराने विद्वान और लंपट छात्र के लिए, रामलीला के जीवंत पाठ के लिए, यहाँ तो भैया चाय पीकर हम तर जाते हैं, हम तो भांग भाग कर घर जाते हैं। और काशी नरेश की बात हुई तो मैं ये भी कहूंगा कि रिक्शे वालों की ऐसी शान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ। और एक बात ये कहूंगा कि मैं ये बहुत शुरू से आके देख रहा हूँ, आप लोग मशगूल हैं व्हाट्सएप में, कृपया अपने मोबाइल को बंद रखें और ध्यान हम लोगों की तरफ दे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, कि मेरा ये मानना है कि तिथि विशुद्ध का अगर कारण होगा तो व्हाट्सएप ही होगा। उस पे मेरी एक कविता है, एक रचना है, बहुत निकृष्ट कविता। प्रशांत जी उन्हें व्हाट्सएप पे बात करते रहने दो, गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएगी तो कवि सम्मेलन भी नहीं हो पाएगा। मतलब दोनों को खुश रखने दो, उन्हें आपकी बाबा तो वो कर ही रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी करते रहे। बहुत ही निकृष्ट कविता मैं सुनाता हूँ जो साहित्य स्तर पे बहुत गिरी हुई है, लेकिन मैं सुनाऊंगा। वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई के मैसेज, वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई के मैसेज, वो पांच मुंह वाला रेगिस्तान में सांप मिला है, वो 90 साल के ताऊ को खोया बाप मिला है, वो हीरोइन जो शाइन बाग गई थी, वो पाक की नियत नहीं सही थी, वो मिर्चा नीम संग तुलसी से कोरोना हारेगा, इस बार अमेरिका चीन में घुसकर मारेगा, इन बेहुदा खबरों का कैसे निवारण होगा, इस स्थिति विशुद्ध का भैया व्हाट्सएप ही कारण होगा। बहुत बढ़िया। और वो सुगर घटाने के नायाब तरीके, वो पत्नी को मनाना हम कैसे सीखे, वो पृथ्वी पर उल्का पिंड टकराने वाला है, वो परवेज मुशर्रफ ओसामा का साला है, वो प्राइमरी और एसएससी भर्ती वाला जी के, वो दक्षिण दिशा की ओर देखना छीके, वो रामदेव बाबा फल खा के जीते हैं, वो खड़े होकर पानी नहीं पीते हैं, वो मोदी और केजरीवाल में कौन ज्यादा बढ़िया है, वो कैंसर का इलाज खड़ा दुनिया है, इन बेहुदा खबरों का कैसे निवारण होगा, इस स्थिति विशुद्ध का भैया व्हाट्सएप ही कारण होगा। और आप लोगों को मैं ले चलता हूँ द्वापर युग में, अगर द्वापर में होता तो महाभारत इसी के कारण होता और शिशुपाल और शकुनी का ये सजीव उदाहरण होता। और मैं कहना चाहूंगा कि पितामह का स्टेटस हमेशा सिंगल होता, मोबाइल छीना जाता न कि अज्ञातवास के लिए कोई जंगल होता। बहुत बढ़िया, वाह 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 प्रशांत जी, क्या कान्हा 24 घंटे ऑनलाइन रहते और वो 16,000 ग्रुप में ज्वाइन रहते, और खबरें कैसी चलती वो ध्यान दीजिएगा कि कान्हा की डीपी अर्जुन संघ की है, धृतराष्ट्र दुर्योधन के लिए नई विल लिखी है, दुशासन का चरित्र थोड़ा गंदा है और शस्त्र ज्ञान द्रोण के लिए गंदा है, और कर्ण अछूत है, कर्ण अछूत है, आईफोन नहीं यूज किया है, एकलव ने द्रोण का फोन OX से लिया है, और संजय को कुरुक्षेत्र की पिक लेनी है, और पांडवों ने फ्लिपकार्ट से खरीद कर ड्रेस पहनी है, इन खबरों का असर तब भी असाधारण होता और महाभारत का भी व्हाट्सएप के कारण होता। और अंतिम दो पंक्तियां मैं कहूंगा कि कृष्ण ने नहीं गीता सार दिया होता, कृष्ण ने नहीं गीता सार दिया होता, कीपैड मोबाइल थमाया होता और पांडवों का उद्धार किया होता, कीपैड मोबाइल थमाया होता, पांडव को उद्धार किया होता। मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा, बस दो पंक्तियां मैं बोलूंगा इनके अनामिका जी के लिए बोलूंगा कि कविता क्या होती है कि भावों ने झकझोरा जो मन से निकले उद्गार, वो मेरी कविता है, कान्हा के अखड़पन से लबरेज जो गीता के सार, वो मेरी कविता है, और नफ
नफरत की आंधी लगी है चारों ओर, तो दिल ठोक के कहता हूँ ये यूपी और ये बिहार मेरी कविता है। और अपने बच्चों को, अपने बच्चों के नामों को ये अपने हाथों पे लिखती हैं। माँ शारदा का जो ये अवतार, वो मेरी कविता है। माँ शारदा का जो अवतार।